नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस मामले की गंभीरता से अवगत करा चुके हैं और जबरन होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार जल्द ही कानून बनाएगी। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि धोखाधड़ी, प्रलोभन और अन्य माध्यम से किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराया जाए। केंद्र ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए 9 राज्यों में कानून है। इसमें ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा शामिल है। यहाँ धर्मांतरण कानून बना हुआ है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि महिलाओं और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अधिकारों की रक्षा के लिए इस तरह के अधिनियम बेहद जरूरी है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई ने सर्वे कराए जाने की जांच को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जिला कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसने एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। जस्टिस प्रकाश पंड्या की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई पूरी की। कोर्ट 2 सप्ताह बाद इस मामले में फैसला सुनाएगी। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद का कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे किया गया था। इस सर्वे में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा और चिन्ह मिलने के साथ ही कथित शिवलिंग भी मिला था। इसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से मामले की एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई थी। जिला कोर्ट ने इस मामले में इसी साल एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। इस फैसले को ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी, तभी से इस मामले की सुनवाई जारी है। आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया। सीएम योगी ने यहां 17 योजनाओं का लोकार्पण किया, साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इटावा में रेलवे जंक्शन स्टेशन से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ कई धाराओं में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। स्टेशन अधीक्षक पूर्णमल मीणा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर देर रात उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के काफिले की गाड़ी नील गाय से टकराने से क्षतिग्रस्त हो गई। मामला गोसाईगंज कोतवाली क्षेत्र का है। लखनऊ में चोरों ने चोरी करने का नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। पुलिस ने बिजली के ट्रांसफार्मर से पीतल का पुर्जा चुराने वाले चोर को रंगे हाथों दबोचा है। चोर अपनी जान हथेली पर रखकर चोरी करता था। आपको बता दें कि जीपीआरए पावर हाउस जानकीपुरम के लाइनमैन स्टाफ ने चोर को पीतल की चोरी करते हुए पकड़ लिया। चोर अपने साथी के साथ ट्रांसफार्मर पर लगे पीतल के धातु को खोलने की कोशिश कर रहा था। ट्रांसफार्मर पर चढ़े दोनों चोर की सूचना लोगों ने पुलिस विभाग के लाइनमैन स्टाफ को दी। जब तक लाइनमैन पहुंचता उसमें से एक चोर फरार हो गया। दूसरे चोर को लाइनमैन स्टाफ ने मौके पर पकड़ लिया। चोर ट्रांसफार्मर से पीतल निकालकर दूर कबाड़ी वालों को बेच देता था और बहुत दिनों से पुलिस इसकी तलाश में थी। लखनऊ से गोरखपुर की ओर जाने वाली परिवहन की जनरल एसी बस में अचानक भीषण आग लग गई। बस में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। वहीं लोगों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। साथ ही आप बता दें कि कुछ लोग बचने के लिए बस से कूद रहे थे, इसी दौरान वो झुलस गए। कहा जा रहा है कि बस में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। वहीं आग की लपटों को देखकर आवाजाही करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। कहा जा रहा है कि काफी समय से दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची। दमकल भी लिख रखा है, फायर ब्रिगेड भी लिख रखा है। अमेठी में स्मैक बेचने और पिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जिले में पुलिस की मिलीभगत के चलते नशे का कारोबार जोरों पर है। वायरल वीडियो अमेठी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीलीभीत में ग्राम प्रधान का एक और कारनामा सामने आया, जहां दबंग ग्राम प्रधान ने कंपोजर स्कूल में घुसकर दबंगई दिखाई। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने स्कूल के प्रिंसिपल को जाति सूचक गालियां दी, साथ ही मारपीट की। इसके साथ ही ग्राम प्रधान पर एसडीएम और ग्रांट में हिस्सा मांगने का भी आरोप लगा। आपको बता दें कि पहले भी ग्राम प्रधान का बलात्कार के मामले में सीओ सदर के नाम से रंगदारी मांगने का एक वीडियो वायरल हुआ था और ऑडियो भी वायरल हो चुका है। वहीं मामले को लेकर दिव्यांग प्रधान दीपाकर ने तहरीर देकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मामला अमरिया इलाके के मुरली आगेसू गांव का। समल में कोल्ड स्टोर में टैंक की सफाई करते वक्त मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मजदूर की मौत का पूरा मामला हयातनगर थाना क्षेत्र में का है, जहां उस समय कोल्ड स्टोर में अफरा तफरी मच गई जब एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें कि मजदूर हरिराम कोल्ड स्टोर में टैंक की सफाई कर रहा था, तभी हादसा हुआ। मजदूर की मौत की खबर जैसे ही परिजनों को लगी, मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे, इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई। घटना यही थी कि सुबह से यहाँ पे ये कम से कम 15-20 दिन से यहाँ पे मजदूरी करते थे। ये कौन है? क्या नाम है? हरिराम। कहाँ के रहते हैं ये? मोहल्ला लाडम सराय के रहने वाले हैं ये जी। और ये टैंक की सफाई कर रहे थे यहाँ पर। इनके साथ में एक मुनीम और थे, शर्मा जी कहते हैं, जो रहते हैं यहाँ पे। और वो कह रहे थे ये टैंक की सफाई कर रहे थे, सीढ़ी पे पैर
चोट लग गई। वैसे क्या है ये, कौन है जो खत्म हुए हैं, कौन है आपके, क्या काम करते थे? मजदूरी कर रहे थे। तो यहाँ पर कोल्ड स्टोर में क्या कर रहे थे आज? यहाँ पे काम करने आए, कई दिन से कर रहे थे, ये साफ करने। अच्छा, टैंक साफ करने। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।